क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के अनस्किल कैटेगरी के वीजा फिर से बैन हो गए हैं, क्या इश्यू आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ये आज की वीडियो में बताऊंगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम अनस्किल कैटेगरी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या हमारा वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, पिछली कुछ वीडियोस में जैसे कि मैंने आपको बताया था एमओई से कॉन्टेक्ट करके कि जितने भी स्किल्ड और अनस्किल्ड वीजा है किसी भी नेशनैलिटी के अप्लाई हो रहे हैं, बट जो रिसेंटली पीआरओ और ट्रेवल एजेंट जो इश्यू देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो यही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जब वीजा अप्लाई किए जाते हैं तो टाइपिंग हो रही है, टाइपिंग में कोई इश्यू नहीं आ रहा, और कुछ यूट्यूबर्स कुछ लोग जो है वो आपको शो भी कर रहे होंगे कि देखें टाइप हो रहा है, टाइपिंग में कोई इश्यू नहीं आ रहा है, आपका डाटा जो है वो आप टाइप कर सकते हैं, बट जैसे ही आप सबमिट करने लगते हैं, लास्ट पे जाते हैं, तो आपको जो है वो एक एरर देखने को मिलता है। वो एरर है कि दिस सर्विस इज नॉट अवेलेबल, इस तरह का जो है वो आपको एरर नजर आता है, वो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश नेशनैलिटी के होल्डर के लिए ये एरर नजर आ रहा है। जब हम किसी और कंट्री के लिए, किसी और नेशनैलिटी के लोग के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एरर नजर नहीं आता, ठीक हो गया, बट ये सिर्फ और सिर्फ अनस्किल कैटेगरी में इशू आ रहा है, स्किल कैटेगरी के वीजाज लग रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है या बांग्लादेश की है, ठीक हो गया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, फिलहाल अनस्किल कैटेगरी का वीजा अप्लाई ना करें अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और या ना ही किसी और एजेंट को पैसे दें, क्योंकि वो आपसे पैसे ले रहे हैं, आपका वीजा टाइप करेंगे, जैसे ही सबमिट करने लगेंगे तो आपका वीजा नहीं लगेगा और आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।